वेलकम टू स्टेप अप। आइए, स्वागत है आप सभी लोगों का द इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल डिस्कशन में। आज है 18 जून 2018। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ऐसे कौन से आर्टिकल्स हैं जो आज इम्पॉर्टेंट हैं। ये आर्टिकल मालदीव्स के बारे में है। मालदीव्स के फेवर में इंडिया के द्वारा वोट किया गया यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर की बिड के लिए। हालांकि मालदीव्स वो बिड नहीं जीत पाया। इसके बारे में चर्चा करेंगे डिटेल से। इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है ये। सेंटर का आर्टिकल रुपी के वैल्यू की वोलाटिलिटी पे बात करता है, उसका इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट होता है। कोर इकोनॉमिक आर्टिकल है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। ऐसे आर्टिकल्स द हिंदू में भी रेयरली पब्लिश किए जाते हैं, तो हम इसे डिटेल से विद द बेसिक समझेंगे। ये आर्टिकल दिल्ली में आए एक डस्ट स्टॉर्म के बारे में है, उसका एनालिसिस करता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है, आप इसे एलिमिनेट कर सकते हैं। ये आर्टिकल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। इस पेज पर देखिए, यहाँ पर ये आर्टिकल बांग्लादेश की इंटरनल पॉलिटिक्स के बारे में है, जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ पर ये आर्टिकल काला मूवी के बारे में बात करता है। वी कैन डेफिनेटली इग्नोर दैट आर्टिकल, बट दैट आर्टिकल इज इशेंशियली इम्पॉर्टेंट, जो कि इंडिया और नेपाल की रिलेशनशिप के बारे में है। वैसे जो फोकस है वो इंडिया नेपाल पर नहीं, बल्कि नेपाल और चाइना पर है। स्टिल वो जो पॉइंट्स हैं वो दिखाते हैं कि किस तरीके से इंडिया फेल रहा है नेपाल के साथ अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करने में, बैलेंस करने में, बीइंग अ नेबरहुड कंट्री। तो आइए इस पर भी हम डिटेल से एनालिसिस करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इस प्रोग्राम के बारे में। आप इस प्रोग्राम के बारे में यूं तो ऑलरेडी अवेयर हैं, स्टिल आई शुड टेल यू दैट यू कैन बी पार्ट ऑफ दैट प्रोग्राम, जहाँ पर आपके एक कोच आपकी तैयारी करवाते हैं। इंटेंस राइटिंग प्रैक्टिस होती है, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट होता है, जनरल पॉइंट्स। बट वन मोर थिंग, वट आई वुड लाइक टू टेल यू दैट आपको एक आंसर एट लीस्ट पर डे लिखना चाहिए। इसके अलावा आप अपना टाइम मैनेजमेंट ज़रूर इंश्योर करें। आप इस प्रोग्राम में हैं तो इस डायरी के जरिए करवाया जाता है, बट ज़रूरी नहीं कि आप अपना टाइम मैनेजमेंट तभी करें या फिर आंसर राइटिंग तभी करें जब आप किसी प्रोग्राम में हैं। यू कैन डू दैट थिंग योर ओन। ये काम ज़रूरी है, आप कैसे भी करें दैट डज नॉट मैटर। तो आप अपनी एक खुद की डायरी भी बना सकते हैं, जहाँ पर आप अपना डे शेड्यूल तैयार करें, उसके हिसाब से पढ़ाई करें। हालांकि ये प्रोग्राम बहुत ही बेहतरीन है, अगर आपके लिए अफोर्डेबल है तो आपको ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। लेकिन अगर अफोर्डेबल नहीं है, यू नीड नॉट टू वरी, यू शुड मेक एफर्ट। देर आर सर्टन थिंग्स विच मैंडेटरी यू शुड डू। आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, आपको एक से दो आंसर हर दिन लिखना है, वो काम आप ज़रूर करें, ठीक है। बाकी आप इसके बारे में डिटेल्स चाहते हैं तो नंबर्स पे कांटेक्ट करिए जो स्लाइड्स में नीचे की ओर दिख रहे हैं। ऐसे राइटिंग के लिए देखते हैं आज हमारे पास क्या है। एजुकेशन विदाउट वैल्यूज एज यूजफुल एज इट इज सीम्स रैदर टू मेक अ मैन मोर क्लेवर डेविल। सही बात है, एजुकेशन के साथ वैल्यूज का होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास नॉलेज है बट यू डोंट हैव वैल्यूज, तो आप उस नॉलेज का इस्तेमाल किस तरीके से करेंगे, नो वन नोज। हो सकता है कि आप उस नॉलेज का बहुत तगड़े से मिसयूज़ भी करें, बिकॉज अगर आपके पास अच्छी नॉलेज है तो आप उसका जिस तरीके से इफ़िशियंट यूज़ कर सकते हैं, उसी तरीके से इफ़िशियंट मिसयूज़ भी कर सकते हैं। तो जब भी किसी व्यक्ति को नॉलेज में इनकलकेट किया जाए तो वी शुड ऑल्सो इंश्योर दैट दैट पर्सन मस्ट हैव वैल्यूज, ठीक है। एग्जाम्पल्स यहाँ पर कुछ अगर आप लिखना चाहें, अगर इस टॉपिक पर आपको ऐसे लिखना हो, यू कैन यूज़ द स्टेटमेंट ऑफ मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जिनके बारे में आप हो सकता है कुछ बातें जानते हो। उन्होंने कहा, फंक्शंस ऑफ एजुकेशन इज टू टीच वन टू थिंक इंटेंसिवली एंड क्रिटिकली। क्या ऑब्जेक्टिव होता है, यही तो होता है ना एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव, कि एक व्यक्ति जो है वो इंटेंसिवली सोच सके और क्रिटिकली भी सोच सके, एनालिसिस कर सके, रियली जो रियल एनालिसिस है वो उसे अचीव कर सके। इंटेलिजेंस प्लस कैरेक्टर इज द गोल ऑफ ट्रू एजुकेशन, और ट्रू एजुकेशन का जो गोल होता है वो यही होता है कि आपके पास इंटेलिजेंस हो प्लस आपके पास कैरेक्टर भी होना चाहिए। देखिए, इंटेलिजेंस और क्लेवरनेस दोनों में अंतर है। इंटेलिजेंट होना एक पॉजिटिव आउटकम होता है या पॉजिटिव टर्मिनोलॉजी है, जबकि क्लेवर समटाइम्स निगेटिवली लिया जाता है। देखिए, एक इंटेलिजेंट व्यक्ति में और एक क्लेवर व्यक्ति में डिफरेंस क्या होता है, दो के दोनों व्यक्ति ही अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखते हैं। ये सही बात है, जो इंटेलिजेंट व्यक्ति होता है वो भी अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखता है और क्लेवर व्यक्ति भी यही काम करता है। बट द कोर डिफरेंस इज, जब कोई एक इंटेलिजेंट व्यक्ति अपना इंटरेस्ट देख रहा होता है या उसे फुलफिल करने का प्रयास कर रहा होता है, तो वो जिसके साथ इंगेज होता है वो उसका नुकसान कभी नहीं करता। वो कुछ इस तरीके से फॉर्मेट तैयार करता है जिससे उसका भी फायदा हो और सामने वाले का फायदा भी हो। वो सामने वाले के नुकसान के बदले में अपना फायदा नहीं लेता,
और ना ही वो एथिकल वैल्यूज के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज करता है, जबकि क्लेवर व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं होता, उसे सिर्फ अपने इंटरेस्ट से मतलब होता है, अपने फायदे से मतलब होता है। अगर उसके लिए सामने वाले व्यक्ति का या जिसके साथ वो इंगेज है उसका नुकसान हो जाए तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यू शुड बी इंटेलिजेंट रैदर क्लेवर, ठीक है? तो आपको एक इंटेलिजेंट व्यक्ति बनना है, आपको अपना इंटरेस्ट जरूर देखना है, लेकिन इस बात का भी ध्यान देना है कि जो आपकी वैल्यूज हैं, जो आपके एथिक्स हैं, वो कॉम्प्रोमाइज ना हो और आपके फायदे से सामने वाले का नुकसान ना हो, ठीक है? इसके अलावा एक एग्जांपल और भी आप रूजवेल्ट के स्टेटमेंट के रूप में ले सकते हैं। उन्होंने आयरोनिकली सरकास्टिकली कहा था कि एक व्यक्ति जो कभी भी स्कूल नहीं गया, वो हो सकता है कि एक फ्रेट कार में से कुछ चीज़ें चुरा ले, लेकिन एक व्यक्ति जिसके पास यूनिवर्सिटी एजुकेशन है वो पूरे रेल रोड को चुरा सकता है, बिकॉज ही हैज़ नॉलेज एंड ही कैन डेफिनेटली मेक मिस यूज ऑफ दैट थिंग। तो ऐसे एग्जाम्पल्स का आप इस्तेमाल कर सकते हो निबंध लिखते वक्त, ठीक है? तो आइए अपना पहला आर्टिकल देखते हैं, मालदीव्स बिट इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, पेपर 2 से टॉपिक को जोड़िए, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशंस। तो कंटेक्स्ट देखते हैं। देखिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं जिनके बारे में आप जानते हैं, टू नेम USA, ब्रिटेन, रशिया, फ्रांस एंड चाइना। दीज आर 5 मेंबर्स जिनके पास परमानेंट सीट है, इनके पास वीटो पावर्स भी हैं। इसके अलावा 10 ऐसे मेंबर्स होते हैं जो 2 साल के लिए चुने जाते हैं, वो नॉन परमानेंट होते हैं। उनका भी प्रॉपर क्लासिफिकेशन है, कुछ इस तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया है कि हर रीजन को रिप्रेजेंटेशन मिले यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। जैसे कि 10 में से जो 5 मेंबर्स होंगे वो एशिया या फिर अफ्रीका से होंगे, ठीक है? इसके अलावा जो 1 मेंबर होगा वो ईस्टर्न यूरोप से होगा, फोकस उन कंट्रीज़ पर है जो फॉर्मर USSR के मेंबर्स हैं। 2 कंट्रीज़ जो होंगी वो लैटिन अमेरिका से होंगी, जो कि काफ़ी अंडर प्रिविलेज्ड एरिया है, और 2 कंट्रीज़ जो होंगी वो यूरोप से होंगी। तो इस तरीके से 10 कंट्रीज़ का मैंने आपको बता दिया कि कौन सी कंट्रीज़ किस रीजन से होती हैं, ये कंटेक्स्ट था। तो अभी एशिया वाले रीजन से 1 सीट के लिए जो कंटेस्ट किया गया था उसमें 2 कंट्रीज़ आमने सामने थी, एक था इंडोनेशिया और दूसरा था मालदीव्स। अब देखिए, यहाँ पर इंडिया को वोट करना था इधर फॉर इंडोनेशिया और फॉर मालदीव्स। वैसे ये जो वोटिंग होती है वो तो सीक्रेट होती है, किसी को पता नहीं किसने किसको वोट किया। फिर भी मालदीव्स ने ऐसा क्लेम किया कि मालदीव्स को इंडिया ने वोट किया है, हालांकि उन्हें जस्ट 44 वोट्स मिले, जिसके बाद वो हार गए इस बिट को और इंडोनेशिया को नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में जो 1 सीट थी वो सिक्योर कर ली इंडोनेशिया ने। यहाँ पर आर्टिकल इस चीज़ को एनालाइज करते हुए ये कहता है कि मालदीव्स ने पिछले 2 सालों से 3 सालों से इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ ही काम किया है, और इंडिया के पास कुछ ही कार्ड्स हैं जो मालदीव्स के खिलाफ इंडिया प्ले कर सकता है, और इंडिया अब उसे भी खो रहा है। इसके बारे में और डिटेल से बात करेंगे, बट फर्स्ट टेक अ बैकग्राउंड अबाउट मालदीव्स। जस्ट सी द लोकेशन, दैट इज़ द लोकेशन इन इंडियन ओशियन, जस्ट साउथ ऑफ इंडिया। ये कुछ जो आइलैंड्स आपको दिख रहे हैं ये है मालदीव्स, इसके ऊपर हमारा लक्षद्वीप वाला एरिया है, ठीक है? दैट इज श्रीलंका, यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं जो कि इंडिया से ही बिलोंग करते हैं। यहाँ पर थोड़ा लार्जर व्यू दिया गया है, यू कैन सी। देखिए, हिस्ट्री देखते हैं। 12वीं शताब्दी के आसपास जब इंडिया में इस्लाम को इंट्रोड्यूस किया गया, उसी समय मालदीव्स में भी इस्लाम अपनी पैट्स बनाता है। 1558 से 1573 तक पुर्तगाल के अंडर में रहा मालदीव्स। बाद में वहाँ के लोकल्स के द्वारा पुर्तगाल को मालदीव से निकाल दिया गया। 17th सेंचुरी में जो ये आइलैंड था, जो डच रूलर्स थे सिलोन के, ये उनका एक प्रोटेक्टोरेट बना। सिलोन उस समय श्रीलंका को कहा जाता था, तो जो डच यानी नीदरलैंड के जो लोग थे जो रूल कर रहे थे श्रीलंका पर, उन्हीं की प्रोटेक्टोरेट कंट्री के रूप में मालदीव्स उनके अंडर में रहा। बाद में जब सिलोन को 17 यानी श्रीलंका को 1796 में कैप्चर किया गया ब्रिटेन के द्वारा, तो जो मालदीव है वो ब्रिटेन के अंडर में आ गया। 1887 में इंटरनली सेल्फ गवर्निंग ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट के रूप में एक स्टेटस प्रोवाइड किया गया मालदीव्स को। 1932 में पहला डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पर प्रोक्लेम किया गया, और उसके बाद जो सुल्तान का पद था उसे एक इलेक्टेड पोजीशन के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। 1953 में मालदीव्स एक रिपब्लिक कंट्री बना विद इन कॉमनवेल्थ, और जो सल्तनत का पद था उसे अबॉलिश कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। हालांकि कुछ समय बाद ही सुल्तान ने अपने पद को फिर से रीस्टोर कर लिया। 1965 में
फुल इंडिपेंडेंस मिलती है मालदीव्स को, और जो वहाँ के सुल्तान थे उन्होंने डिक्लेयर किया कि वो अपने आप को कॉमनवेल्थ का हिस्सा नहीं बनाएंगे, वो कॉमनवेल्थ से बाहर हो गए। 1968 में सुल्तान को उनके पद से हटा दिया गया, वहाँ पर एक रेफरेंडम का आयोजन किया गया, और वहाँ रेफरेंडम के बाद इब्राहिम नसीर को प्रेसिडेंट चुन लिया गया। ठीक है, इब्राहिम नसीर ने लगभग 2 टेन्योर वहाँ पर रूल किया। 1978 में नसीर ने अपने आप को रिटायर डिक्लेयर कर दिया, और ममून अब्द अल गयूम, इनका पूरा नाम है ममून अब्दुल गयूम आप कह सकते हो या अब्द अल गयूम कह सकते हो, इन्होंने सत्ता संभाली। 1980 के दौरान इन्होंने काफ़ी अच्छे प्रयास किए, टूरिज्म इंडस्ट्री को डेवलप किया, इसके बाद मालदीव की इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी तेज हो गई। 1982 में गयूम ने फिर से कॉमनवेल्थ को ज्वाइन किया। गयूम के साथ इंडिया के रिलेशंस बहुत ही अच्छे थे उस समय, लेकिन एक कूप आयोजित किया गया, एक कूप कॉन्स्पिरेसी के जरिए लॉन्च किया गया, जिसका ऑब्जेक्टिव यही था कि गयूम को उनकी सत्ता से हटा दिया जाए। वहाँ पर जो श्रीलंका के कुछ व्यापारी थे उन्होंने ये पूरी कॉन्स्पिरेसी रची थी। उसके बाद इंडिया ने गयूम के रूल को बचाने के लिए ऑपरेशन कैक्टस लॉन्च किया। कुछ एग्जाम्स में आपसे सिंपल पूछा जा सकता है, ऑपरेशन कैक्टस इज रिलेटेड टू, जवाब होना चाहिए मालदीव्स। 1988 में ये कूप हुआ था, कूप डिटेट आप इसे कह सकते हो, और जो मालदीवियन बिजनेस पर्सन थे अब्दुल्ला लतूफ़ी, उन्होंने इसमें कॉन्स्पिरेसी का पूरा प्लान तैयार किया था, हालांकि इंडिया की मदद से इस कूप को फेल कर दिया गया। 1998 में उनकी सत्ता बचने के बाद वो फिर से सत्ता में बने रहे। 1998 में अगेन अपने 5वें टर्म के लिए गयूम को री इलेक्ट किया गया। 2003 के अक्टूबर में फिर से गयूम को उनके 6ठे टर्म के लिए चुना गया प्रेसिडेंशियल रेफरेंडम के जरिए। 2004 जून में वहाँ पर काफ़ी विरोध शुरू हो गया था, लोग डेमोक्रेसी की डिमांड कर रहे थे, तो प्रेसिडेंट गयूम ने प्रॉमिस किया कि वो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस लेकर आएंगे। जो प्रेसिडेंशियल टर्म है, जैसे कि वो खुद 30 साल लगभग रूल कर चुके थे या 25 साल तक रूल कर चुके थे, तो उन्होंने बोला कि वो कुछ लिमिटेशंस इम्पोज करेंगे ताकि कोई भी व्यक्ति बहुत लंबे समय तक प्रेसिडेंट के पद पर ना बना रह सके, और कई सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके फॉर्मेशन को भी अलाउ किया जाए। 2004 अगस्त में जब डेमोक्रेसी के लिए मूवमेंट काफ़ी वायलेंट हो गया, काफ़ी एग्रेसिव हो गया, तो इमरजेंसी डिक्लेयर की गई गयूम जी के द्वारा। प्रो डेमोक्रेसी जो डेमोन्स्ट्रेशंस काफ़ी वायलेंट हो गए थे, उसके बाद लगभग 100 लोगों को जेल में भी भेजा गया। 2004 दिसंबर में सुनामी हिट करता है मालदीव्स को, काफ़ी नुकसान होता है, कई सारे लोग वहाँ पर मारे जाते हैं। उसके बाद कई सारी कंट्रीज़ ने मदद करने का वादा किया, इस शर्त पर कि अगर मालदीव्स डेमोक्रेसी को अडॉप्ट कर लेता है तो फिर बहुत सारे देश उसको मदद को आगे आ जाएंगे। 2005 जून में इसी शर्त पर पार्लियामेंट ने अनएनिमसली, यूनिमसली आप कह सकते हो, मल्टी पार्टी पॉलिटिक्स को अडॉप्ट किया। 2005 अगस्त में अपोजिशन पार्टी के जो लीडर थे मोहम्मद नसीद, उन्होंने ये पूरा डेमोक्रेसी का मूवमेंट चलाया था, उनके खिलाफ चार्जेस इम्पोज किए गए टेररिज्म और सेडिशन के। ठीक है, 2008 अगस्त में प्रेसिडेंट गयूम ने नया कॉन्स्टिट्यूशन रेटिफाई किया और पहला मल्टी पार्टी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लॉन्च किया गया। महमूद नसीद जो थे उनको फिर से इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए अलाउ कर दिया गया था। एंड 2008 अक्टूबर के बाद से एक्चुअली में एक नया एरा शुरू होता है मालदीव्स में, दैट वाज द एरा ऑफ डेमोक्रेसी। जो अपोजिशन के लीडर थे मोहम्मद नसीद, उन्होंने प्रेसिडेंट गयूम को 2nd राउंड में हरा दिया और उसके बाद वो प्रेसिडेंट पद पर आ गए। 2009 अप्रैल में प्रेसिडेंट नसीद के जो कुछ गवर्नमेंट के मेंबर्स थे उन्होंने कहा कि, या इनफैक्ट यहाँ पर जो बात बताई जा रही है कि स्टेट कंट्रोल, जो मीडिया काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए गए थे मीडिया पे, उन सबको फ्री कर दिया गया। 2010 जून की बात है, उनके कैबिनेट ने ये कहते हुए रिज़ाइन कर दिया कि जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो उन्हें अच्छे से काम करने नहीं दे रही हैं। 2011 मई में एक पुलिस क्लैश हुआ अपोजिशन लेड प्रोटेस्टर्स के बीच में, क्योंकि जो इन्फ्लेशन था वो काफ़ी बढ़ गया था। 2012 में कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस वहाँ पर शुरू होता है, जब चीफ जस्टिस और प्रेसिडेंट आमने सामने आ जाते हैं। चीफ जस्टिस कहते हैं कि गवर्नमेंट क्रिटिक को जो जेल में बंद किया गया है उन्हें छोड़ा जाए। इसके बाद जो नसीद थे उन्होंने चीफ जस्टिस को ही अरेस्ट करने का आदेश दे दिया। 2012 में नसीद जी ने रेजिग्नेशन दे दिया। बाद में जो वाइस प्रेसिडेंट थे मोहम्मद वहीद हुसैन मानिक, उन्होंने प्रेसिडेंट पद की शपथ ली। 2012 जुलाई में जो फॉर्मर प्रेसिडेंट नसीद थे उनके ऊपर कुछ चार्जेस इम्पोज किए गए कि उन्होंने इलीगल तरीके से चीफ जस्टिस को अरेस्ट करवाया था। 2013 अक्टूबर में जब इलेक्शन शुरू हुए तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले राउंड का इलेक्शन नल एंड वाइड कर दिया। 2013 के नवंबर में जब रिजल्ट्स आए तो अब्दुल्ला यमीन
नए प्रेसिडेंट के रूप में चुनकर आ चुके थे। अब देखिए 2015 में जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे या फिर अपोजिशन लीडर जो थे मोहम्मद नसीद, उनके खिलाफ चार्जेस इम्पोज किए गए टेररिज्म के, मास प्रोटेस्ट के, और उनको 13 साल की सज़ा सुना दी गई। काफ़ी विरोध भी हुआ इसका। 2016 जनवरी में उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब है, उन्हें ब्रिटेन जाके 30 दिनों में अपना इलाज करवाना है, कॉर्ड सर्जरी करवानी है, उन्हें अलाउ भी कर दिया गया। 2016 मई में जो फॉर्मर प्रेसिडेंट मोहम्मद नसीद थे, उनको ब्रिटेन ने रिफ्यूजी का स्टेटस दे दिया, उन्होंने ब्रिटेन वापस मालदीव वापस आने से मना कर दिया। 2016 अक्टूबर में इसी बात से नाराज़ होकर मालदीव ने कॉमनवेल्थ से खुद को बाहर कर लिया, बाहर करने का फैसला किया। अभी 2018 के फरवरी के बाद से ही वहाँ पर एक पॉलिटिकल टर्मोइल शुरू हो गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अगेन ऑर्डर दिया था कि जो प्रिजनर्स हैं, जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, उनको फ्री कर दिया जाए, लेकिन अब्दुल्ला यमीन ने ये काम करने से इनकार कर दिया। अब ये जो ड्रिफ्ट हमने देखी यहाँ पर कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जिन भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को बंद किया गया है जेल में, उन्हें फ्री कर दिया जाए, यमीन ने ये करने से इनकार कर दिया, बाद में उन्होंने वहाँ पर इमरजेंसी इम्पोज कर दिया, इंडिया ने भी इसे कंडेम किया, इसके जवाब में उन्होंने भी इंडिया का विरोध किया, और भी कई सारे काम यमीन की सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं लगातार इंडिया के खिलाफ में, जैसे उन्होंने चाइना के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया, ऐसे कई सारे काम हैं। तो ये पूरा हमने एक ओवरव्यू लिया सन 1200 शताब्दी से लेकर अभी तक का, 2018 तक का। अब आइए अपने आर्टिकल पर चलते हैं। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में अभी हाल के दिनों में कई सारे बदलाव हमें देखने को मिल रहे हैं। जैसे इंडिया ने बार बार एशिया पैसिफिक और इंडो पैसिफिक की बात कही, इससे पता चलता है कि इंडिया अपने आप को एक रीजनल पावर के रूप में स्वीकार करता है। इसके अलावा इंडोनेशिया के साथ हमने कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन किए, हमने चाइना के साथ भी अपने रिलेशंस को इम्प्रूव करने का प्रयास किया। इंडिया के रिलेशन मालदीव्स के साथ कैसे रहे उसके बारे में चर्चा करते हैं। ये कोई सीक्रेट वाली बात नहीं है कि पिछले काफ़ी समय से इंडिया के रिलेशंस मालदीव्स के साथ ख़राब हैं। मालदीव ने, मालदीव्स की जो इमिग्रेशन अथॉरिटी हैं, उन्होंने जो इंडियंस वहाँ पर जॉब कर रहे हैं उनका वीज़ा रिन्यू करना बंद कर दिया है इस मार्च से ही। फरवरी में वहाँ पर क्राइसिस शुरू हुआ था, इंडिया ने उसी समय कंडेम किया था, और मार्च के बाद से उन्होंने कोई भी वीज़ा किसी भी इंडियन का रिन्यू नहीं किया है। लगभग 2000 लोगों के वीज़ा एप्लीकेशंस अभी भी हेल्ड पड़े हुए हैं। इसके अलावा देखिए, 2 ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर इंडिया के द्वारा गिफ्ट किए गए थे मालदीव्स को, जिसको इंडिया के जो पर्सोनल्स थे वही वहाँ पर चला भी रहे थे। मालदीव्स ने उसे वापस कर दिया ये कहते हुए कि ये चीज़ उन्हें नहीं चाहिए। उन्होंने ऐसा तो नहीं कहा कि इंडिया ने कंडेम किया था उनकी इमरजेंसी को इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि ये चीज़ हमें चाहिए ही नहीं। प्रैक्टिकली कहें तो उनका रियल कंसर्न ये है कि उसे चलाने वाले जो लोग हैं वो इंडिया के डिफेंस पर्सोनल हैं। तो ये कुछ क्राइसिस वाली बातें हमने देखी यहाँ पर। बट फिर भी अभी जो हमने बात की कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जब वोटिंग की बात आई तो इंडिया ने मालदीव के फेवर में वोट किया, ऐसा जो मालदीव्स के एम्बेसडर हैं उन्होंने अपनी एक ट्वीट में क्लेम किया। उन्होंने धन्यवाद कहा इंडिया को कि इंडिया ने मालदीव्स के फेवर में वोट किया। हालांकि वहाँ पर जो वोटिंग होती है वो सीक्रेट होती है, बट हम इस बात को स्वीकार इसलिए कर सकते हैं क्योंकि इंडिया ने उनके इस क्लेम को डिनाई नहीं किया। इसका मतलब है कि इंडिया ने किया है, इंडिया ऐसा स्वीकार करता है। अब देखिए, काफ़ी कन्फ्रंटेशन है। हमने बात की वो चाइना के फेवर में जा रहे हैं, फिर भी इंडिया ने मालदीव को क्यों फेवर किया जबकि इंडोनेशिया के साथ हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं, वो एक थ्राइविंग डेमोक्रेसी भी हैं, स्टिल हमने साथ दिया मालदीव्स का। इसके 2 महत्वपूर्ण कारण है जो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, 2008 में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे एट दैट टाइम मनमोहन सिंह जी, उन्होंने वादा किया था मालदीव्स को कि जो आने वाले समय में इंडिया की बिडिंग है, 2011-12 में इंडिया भी जो नॉन परमानेंट सीट है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की उसका मेंबर रहा था, तो हमने मालदीव से कहा था कि वो हमें सपोर्ट करें और आने वाले समय में हम उन्हें सपोर्ट करेंगे। इसके अलावा मालदीव्स ने वादा किया है कि वो हमें जो परमानेंट सीट है उसके लिए भी सपोर्ट करेंगे। तो जो वो एक वादा था उसको पूरा किया गया इंडिया के द्वारा। दूसरा, हमारी एक पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट की, कि अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन आएगी हमारी नेबरिंग कंट्री में और किसी थर्ड पार्टी में, तो हम सपोर्ट करेंगे अपनी नेबरिंग कंट्री को। तो हमने अपनी पॉलिसी फॉलो की और हमने अपना वादा निभाया। अब यहाँ पर कुछ लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं इंडिया को, ये कहते हुए, जैसा कि आर्टिकल भी कह रहा है, कि वो एक पुरानी गवर्नमेंट का वादा था, अभी जो सिचुएशंस हैं वो बदल चुकी हैं। तब जो सरकार थी नसीद की वो इंडिया के फेवर में थी, बट अभी जो यमीन जी की सरकार है वो इंडिया के फेवर में नहीं है, वो लगातार इंडिया का विरोध कर रहे हैं, वो प्रो चाइना है, तो फिर इंडिया को क्यों अपना वादा निभाना चाहिए। बट स्टिल देखिए, इंडिया अपना वादा ना निभाए इसके लिए कोई महत्वपूर्ण कारण नहीं था। सीधी सी बात है कि एक कंट्री जो आपका बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था, आज वो किसी थर्ड पार्टी के साथ इंगेज हो रहा है,
व्हाट शुड यू डू, आपको क्या करना चाहिए। डेफिनेटली हमें और एफर्ट्स करने चाहिए ताकि वो हमारी सपोर्ट में आ सकें, बजाय इसके कि हम उनके खिलाफ कुछ ऐसी कार्यवाही शुरू कर दें जिससे वो हमसे और दूर हो जाएं। तो ये एक पॉजिटिव स्टेप कहा जा सकता है इंडिया की तरफ से, हालांकि आर्टिकल इस चीज़ का विरोध करता है, मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ। डेफिनेटली जब आप एग्जाम में लिखते हैं तो आपको एक बैलेंस्ड अप्रोच रखना होता है, इसीलिए मैं आपको दोनों आर्ग्यूमेंट दे रहा हूँ। आर्टिकल तो यही कह रहा है कि इंडिया के पास बहुत ही कम कार्ड्स हैं मालदीव्स के खिलाफ प्ले करने के लिए, और इंडिया अब उसे भी खो रहा है। ठीक है, वो आर्टिकल का अपना ओपिनियन है, अच्छी बात है वो अपना ओपिनियन रख रहे हैं, इंडिया के खिलाफ में अपना ओपिनियन रख रहे हैं, स्टिल यू शुड ऑल्सो हैव अ पॉजिटिव पॉइंट्स। वो सिसली का भी आर्ग्यूमेंट देते हैं कि देखिए सिसलीज ने, हमने एक मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट बनाने का एक अजम्पशन आइलैंड पे प्लान किया था, पूरा एग्रीमेंट भी साइन हो गया था, लेकिन बाद में वहाँ की सरकार ने, चूंकि वहाँ की जो अपोजिशन पार्टीज थी वो विरोध कर रही थी, तो वहाँ की सरकार ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने बोला कि अब हम खुद से ही अपना पोर्ट तैयार करेंगे, हमें इंडिया के असिस्टेंस की आवश्यकता नहीं है। तो आर्टिकल एंड में यही कहता है कि आप इंडो पैसिफिक पे फोकस कर रहे हैं, अच्छी बात है, बट आपको इंडियन ओशन को इग्नोर नहीं करना चाहिए। बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल था, हमने काफ़ी अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया, हमने दोनों तरीके के आर्ग्यूमेंट देखे, जो आर्टिकल में है वो भी, जो आर्टिकल में नहीं है वो भी। अगला आर्टिकल देखते हैं, इंडियाज डच डिसीज, पेपर से इस टॉपिक को जोड़िए, इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा बैकग्राउंड देना चाहूँगा, आप ये बैकग्राउंड अगर नहीं समझेंगे तो आपको आर्टिकल समझने में काफ़ी दिक्कत हो सकती है। पहली बात कि जो रुपी की वैल्यू है वो बढ़ती घटती कैसे है, कैपिटल के इनफ्लो और आउटफ्लो का क्या फ़र्क पड़ता है करेंसी पर या रुपी पर, इंडिया का एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट रुपी की वैल्यू के घटने या बढ़ने से कैसे प्रभावित होता है, करंट अकाउंट डेफिसिट का इससे क्या संबंध है, ये हम आर्टिकल में भी समझ सकते हैं, यहाँ भी समझ सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड यहीं पर बताता हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, अगर यहाँ पे आपने समझने में गड़बड़ी की तो फिर आगे आर्टिकल को समझने में समस्या हो सकती है। देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, दैट इज $1 इज इक्वल टू 65 रुपीज, जो कि इन जनरल हुआ करता है। अब देखिए ये एक नॉर्मल सिचुएशन आप मान लीजिए, तो रुपी के एप्रिसिएट या डेप्रिसिएट होने का मतलब क्या होता है, रुपी की एप्रिसिएट होने का मतलब है रुपी की वैल्यू का बढ़ जाना, रुपी की वैल्यू का बढ़ने का मतलब है कि $1 इज इक्वल टू 60 रुपीज़ होगा। रुपी के बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आपको डॉलर के बदले में ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, रुपी की वैल्यू के बढ़ने का मतलब है कि आपको $1 के बदले में कम पैसे देने पड़ेंगे। थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग के लिए सामान्य भाषा में बताता हूँ कि ये हम एप्रिसिएट होने की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको पहले आपको $1 के बदले में 65 रुपये देने पड़ते थे, अब आपको $1 के बदले में केवल 60 रुपये ही देने पड़ेंगे। तो ये आपके लिए अच्छा है या फिर बुरा है, अच्छा है, मतलब रुपये आप ज़्यादा वैल्यूएबल हैं, तो हम इसे रुपये का एप्रिसिएशन बोलेंगे। रुपये के डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है कि आपको $1 के बदले में 70 रुपये देने पड़े, हम इसे रुपये का डेप्रिसिएशन बोलेंगे। मतलब अब आपको अगर $1 खरीदना है तो आपको 70 रुपये पे करने पड़ेंगे, मतलब रुपये की वैल्यू गिरी कि नहीं गिरी, डेफिनेटली गिरी, तो आप इसे डेप्रिसिएशन कह सकते हैं। तो आप इस सामान्य कंडीशन को समझिए, ठीक है। अब आइए कैपिटल के इनफ्लो और आउटफ्लो से इसको जोड़ते हैं। कैपिटल के इनफ्लो का मतलब क्या है, बाहर से डॉलर इंडिया में आए, ठीक है। अगर बाहर से डॉलर इंडिया में आएगा तो रुपी की वैल्यू बढ़ेगी, ध्यान दीजिएगा, अगर बाहर से डॉलर इंडिया में आएगा, चाहे वो FDI के फॉर्म में आए, इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में आए, या फिर जो NRIs हैं वो इंडिया में आकर डिपॉजिट करें, वो किसी भी फॉर्म में, अगर डॉलर इंडिया में आ रहा है तो रुपी की वैल्यू जो है वो बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए कोई भी व्यक्ति जब डॉलर लेकर आता है तो यहाँ पर कोई परचून की दुकान वाला डॉलर में तो सामान देगा नहीं, या फिर वो कोई भी जो कैपिटल है, कोई भी जो इन्वेस्टमेंट है, कोई भी वो सामान खरीदेंगे उसके बदले में वो काम डॉलर से नहीं कर सकते, उन्हें रुपए की आवश्यकता पड़ेगी। तो वो RBI के पास जाएंगे एक्सचेंज करने के लिए, या फिर कई सारे एक्सचेंज ब्रोकर्स भी होते हैं, आपको यहाँ पर कनॉट प्लेस में, दिल्ली में भी मिल जाएंगी कई सारी शॉप जहाँ पर आप डॉलर को एक्सचेंज कर सकते हैं रुपए में। आप उनके पास जाएंगे और बोलेंगे कि आप ये डॉलर ले लीजिए और मुझे रुपए दे दीजिए, ठीक है। अब अगर बहुत सारे लोग डॉलर लेकर आएँ और बोले कि आप मुझे रुपए दे दीजिए, तो वो ये कह सकता है कि देखिए बहुत सारे लोग मुझसे रुपए लेने आ रहे हैं, मैं आपको $1 के बदले में आप 65 रुपये नहीं दे सकूंगा, केवल 60 रुपये ही दूंगा, लेना है तो लो, नहीं लेना है तो, मतलब बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो बोलेगा कि ठीक है दे दूँ। मतलब अगर डॉलर ज़्यादा आ रहा है तो जो रुपए की वैल्यू है वो बढ़ेगी, क्योंकि लोग कम रुपए के बदले में भी $1 देने को तैयार हो जाएंगे। बात क्लियर हुई, अगर डॉलर का इनफ्लो इंडिया में हो रहा है तो रुपए की वैल्यू बढ़ेगी, अगर डॉलर इंडिया से बाहर जा रहा है, मतलब कि हम कोई सामान इम्पोर्ट कर रहे हैं तो बदले में हम डॉलर देंगे, मतलब डॉलर बाहर जाएगा। अब डॉलर की कमी है मार्केट में, अगर डॉलर की मार्केट में कमी है तो लोग $1 के बदले में ज़्यादा रुपए देने को तैयार हो जाएंगे, मतलब अगर कैपिटल का आउटफ्लो होगा तो रुपए की वैल्यू जो है वो गिरेगी, रुपया डेप्रिसिएट होगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया।
कि इनफ्लो और आउटफ्लो का क्या प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल क्लियर रहिएगा, मैं आसान भाषा में रखने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये कॉन्सेप्ट। अब देखिए, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पर क्या प्रभाव पड़ता है जब रुपये का, या जब रुपया एप्रिसिएट होता है या डेप्रिसिएट होता है। जब रुपया डेप्रिसिएट होता है, यहाँ पर देखिए, जब रुपया डेप्रिसिएट होता है तो एक्सपोर्ट आसान हो जाता है। एक्सपोर्ट आसान कैसे होता है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सपोज करिए कि आपने एक दूध का पैकेट, अमूल दूध का पैकेट, एक बाहरी व्यक्ति को एक डॉलर में दिया। सामान्य स्थिति में जब वो डॉलर लाकर आप यहाँ पे एक्सचेंज करते तो आपको 65 रुपये मिलते, लेकिन चूंकि रुपया डेप्रिसिएट हो चुका है और एक डॉलर की कीमत अब 70 रुपये है, तो जब आप वो एक पैकेट एक्सपोर्ट करेंगे और आपको एक डॉलर मिलेगा, तो इंडिया में एक्सचेंज करने के बाद आपको 70 रुपये मिल जाएंगे। मतलब आपको 5 रुपये ज़्यादा मिल रहा है, मतलब आपको फ़ायदा हो रहा है। आप ज़्यादा से ज़्यादा अमूल दूध के पैकेट को एक्सपोर्ट करने का प्रयास करेंगे। मतलब अगर रुपया डेप्रिसिएट होता है तो एक्सपोर्ट बढ़ता है, ठीक है। अगर रुपया डेप्रिसिएट होगा, मतलब आपने एक अमूल दूध का पैकेट दिया, आपको एक डॉलर मिला, सामान्य स्थिति में जब आप उसे एक्सचेंज करते तो आपको 65 रुपये मिलते, लेकिन चूंकि रुपया एप्रिसिएट हो चुका है और एक डॉलर की कीमत 60 रुपये है, तो आपको अब केवल 60 रुपये ही मिलेंगे। तो आप डिसइंसेंटिवाइज होंगे, मतलब एक्सपोर्ट कम कर देंगे। लेकिन इम्पोर्ट की बात करें तो इम्पोर्ट में आपको रुपये के एप्रिसिएट होने पर फ़ायदा होगा। बिल्कुल केस एकदम सेम है। आपने एक पैकेट जो दूध था उसको बाहर से लिया, किसी व्यक्ति से आपने लिया, आपको उसको पे कितने करने हैं, $1 पे करने हैं। $1 को खरीद के पे करने के लिए आपको पहले 65 रुपये देने पड़ते, लेकिन चूंकि रुपया एप्रिसिएट हो चुका है तो आपको 60 रुपये में ही $1 मिल जाएगा। मतलब आपको कम पैसे देने पड़ रहे हैं एक दूध को लेने के लिए। रुपया आप कह सकते हैं डेप्रिसिएट होता है तो एक्सपोर्ट बढ़ता है, और एप्रिसिएट होता है तो इम्पोर्ट बढ़ता है। तो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पर ये कॉन्सेप्ट आपने समझा, हमने बहुत ही बेसिक तरीके से समझा है। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बेसिक आपने जान लिया, अब हमें आर्टिकल को समझने में आसानी होगी। आइए समझते हैं। तो अब आइए आर्टिकल पर बात करते हैं। इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि देखिए, जो फॉरेन कैपिटल का इन्फ्लो है वो इंडिया के लिए डच डिसीज़ की तरह काम करेगा। हम इस स्टेटमेंट पर बाद में जाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानते हैं कि डच डिसीज़ क्या होता है। देखिए, डच डिसीज़ के बारे में लास्ट ईयर के इकोनॉमिक सर्वे में भी चर्चा की गई थी। डच डिसीज़ का मतलब ये होता है कि किसी भी कंट्री का एक सेक्टर बहुत तेज़ी से ग्रो करता है और उस पार्टिकुलर सेक्टर के ग्रो करने की वजह से जो बाकी के सेक्टर्स हैं वो डिक्लाइन करने लगते हैं। अब इस चीज़ को अगर मैं आपको सामान्य भाषा में समझाना चाहूँ तो हम इस टर्म के ओरिजिन पर चलते हैं। देखिए, जो फ्रेज़ है डच डिसीज़, ये 1960s में ओरिजिनेट हुआ डच यानी नीदरलैंड्स में। देखिए, नीदरलैंड्स में क्या हुआ कि उस समय कुछ नए ऑयल फील्ड्स मिल गए। जब कुछ नए ऑयल फील्ड्स मिले तो ऑयल का एक्सपोर्ट काफ़ी तेज़ी से बढ़ गया नीदरलैंड्स के बाहर। जब ऑयल का एक्सपोर्ट काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा तो क्या होगा, देखिए मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया है, बात बिल्कुल वही है। अगर ऑयल का एक्सपोर्ट तेज़ी से बढ़ेगा नीदरलैंड से बाहर की ओर तो क्या होगा, मतलब नीदरलैंड में ज़्यादा डॉलर आया। अगर नीदरलैंड में डॉलर ज़्यादा आएगा तो क्या होगा, जो नीदरलैंड की करेंसी है वो स्ट्रांग होगी। और किसी भी देश की जब करेंसी स्ट्रांग होती है तो क्या स्ट्रांग होता है, एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट? रिकॉल करिए, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर रुपया एप्रिसिएट होगा तो किसको फ़ायदा होगा, एक्सपोर्ट को या फिर इम्पोर्ट को? याद आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो मैं आपको बता देता हूं, इंपोर्ट को फायदा होगा। अगर रुपया स्ट्रांग होगा तो इंडिया के इंपोर्ट को फायदा होगा। बिल्कुल वैसे ही, अगर नीदरलैंड की जो करेंसी है वो स्ट्रांग हुई तो नीदरलैंड के इंपोर्ट को फायदा होगा, एक्सपोर्ट को फायदा नहीं होगा। मतलब आप ऑयल का एक्सपोर्ट तो कर रहे हो, लेकिन ऑयल के एक्सपोर्ट के बदले में जो आपको पैसा मिल रहा है उससे आपके बाकी के सेक्टर में इंपोर्ट तो हो सकता है लेकिन एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगा। जबकि फायदा किसी भी सेक्टर को तब होता है जब वो सामान को एक्सपोर्ट करे, तो जो उनका बाकी का सेक्टर है उसके लिए एक्सपोर्ट अनकॉम्पिटिटिव हो गया, उनका बाकी का जो सेक्टर है वो डिक्लाइन करना शुरू कर गया। एंड दैट वाज द सिचुएशन जिसे कहा गया डच डिसीज। इसका बहुत ही ड्रेस्टिक इम्पैक्ट बाद में रशिया पर पड़ा था। बाद में टर्म काफ़ी पॉपुलर हो गया जब रशिया को इससे काफ़ी नुकसान हुआ। रशिया ने भी खूब सारा ऑयल प्रोड्यूस किया, उन्होंने एक्सपोर्ट किया। जब ऑयल को एक्सपोर्ट किया तो वहाँ पर डॉलर गया, डॉलर जाने की वजह से उनके करेंसी की वैल्यू बढ़ गई, जिससे बाकी के सेक्टर में जो एक्सपोर्ट था वो अनकॉम्पिटिटिव हो गया, तो बाकी के सेक्टर जो है वो डिक्लाइन पे चले गए। डच डिसीज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना? बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसीलिए मैंने आपको पहले बेसिक्स बता दिए थे। देखिए, अब वही बात यहाँ पे बताई गई है। अगर आप इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात करें तो अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव में इंडिया में इनफ्लो हो रहा है ज़्यादा फॉरेन करेंसी का, तो इससे जो इंडिया है उसकी करेंसी स्ट्रांग होगी और इंडिया का भी जो एक्सपोर्ट है वो अनकॉम्पिटिटिव हो जाएगा। अब करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो इंडिया में हमेशा से ही रहता है, और हम इसे कंपनसेट कहाँ से करते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट को हम इसे कंपनसेट करते हैं कैपिटल अकाउंट जो हमारे पास आता है, कैपिटल इनफ्लो जो होता है उसकी वजह से। वो किसी भी फॉर्म में आ सकता है, FDI के फॉर्म में आएगा, FPI के फॉर्म में आएगा, ECB के फॉर्म में आएगा। थोड़ा मैं इमेज में आपको बताता हूँ। देखिए, ये इमेज मैंने मृणाल की साइट से कॉपी की है। यहाँ पर देखिए, ये करंट अकाउंट है,
क्योंकि हमारे पास डेफिसिट इसलिए होता है क्योंकि हम गुड्स एंड सर्विसेज का बहुत ज़्यादा, सर्विसेज तो मान लीजिए फिर भी हम एक्सपोर्ट करते हैं, बट गुड्स का हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। तो जब हम इंपोर्ट करते हैं मतलब डॉलर बाहर जाता है, डॉलर अगर बाहर जाएगा इसका मतलब क्या है कि रुपए की जो वैल्यू है वो गिरेगी, रुपए की वैल्यू गिरेगी। अब रुपए की वैल्यू को हमें बढ़ाकर मेंटेन करने के लिए कोशिश करनी होगी कि डॉलर का इन्फ्लो इंडिया में हो। तो डॉलर का इन्फ्लो कैपिटल अकाउंट में होता है, यानी इन्वेस्टमेंट आ गया एफडीआई के फॉर्म में, किसी से लोन ले लिया या फिर जो एनआरआईज है उन्होंने इंडिया में डिपॉजिट कर दिया। तो ये तरीका है, हमने डॉलर को बाहर भेजा क्योंकि हमने इम्पोर्ट किया, तो इससे जो रुपए की वैल्यू थी वो गिर गई। उसे बढ़ाने के लिए हमें कैपिटल इन्फ्लो की आवश्यकता होती है ताकि रुपया एकदम मेंटेन रहे। ठीक है, अब देखिए क्लियर रहिए कि जो फॉरेन कैपिटल है उसकी वजह से केवल रुपया ही वोलाटाइल नहीं होता, उससे बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे एक्सपर्टीज आती है, टेक्नोलॉजी आती है, वो दूसरा इशू है। बट देखिए जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो लगातार अपने आप को एडजस्ट करने के लिए एक्सटर्नल फ्लो पे डिपेंड करता है। अगर हमारे कैपिटल अकाउंट में पैसा नहीं आया तो करंट अकाउंट जो है वो हमारा जो करेंसी है उसको डिस्टॉर्ट कर देगा। पॉइंट ये है कि जब इन्वेस्टमेंट आता है तो उसके बदले में कुछ जाएगा कि नहीं जाएगा? जिन इन्वेस्टर्स ने इंडिया में अपना पैसा लगाया है उसके बदले में जो प्रॉफिट लेते हैं, जो रेंट लेते हैं, वो लेकर आप वापस अपनी कंट्री में जाते हैं। और अभी जो रेंट हम पे करते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे, वो हमारे जीडीपी का 1% से ज़्यादा हो चुका है, लगभग $29 बिलियन हो चुका है। मतलब जो आउटफ्लो है वो बढ़ रहा है, ध्यान दीजिएगा, आउटफ्लो बढ़ रहा है। और आउटफ्लो बढ़ेगा तो इंडिया की करेंसी में जो वोलेटिलिटी है वो भी बढ़ जाएगी। यहाँ पर देखिए, अगर ऐसा होता रहा, डेफिनेटली अभी भी हम $20 बिलियन के डेफिसिट में आ चुके हैं। क्यों आ चुके हैं? क्योंकि जो हमने इंपोर्ट किया वो लगभग $75 बिलियन का है, जबकि जो कैपिटल इन्फ्लो हुआ है वो केवल $55 बिलियन का है। तो $20 बिलियन का ये जो गैप है, ये हमारी रुपी में वॉलेटिलिटी को क्रिएट करने की क्षमता रखता है। ठीक है, तो रुपी को डेप्रिसिएट होने से बचाने के लिए, जैसा कि 2013 में हुआ था, रुपया काफ़ी तेज़ी से डेप्रिसिएट होने लगा था, उस कंडीशन में हमें अपने एनआरआईज़ को ये कहना पड़ा था कि अगर आप लोग इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो हम आपको कई सारा प्रॉफिट देंगे, इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट बढ़ा देती है। प्रेजेंट में सिचुएशन वही बन रही है, इंडिया को हो सकता है आने वाले समय में एनआरआईज़ के लिए नोटिफिकेशन जारी करनी पड़े कि आप लोग पैसा अगर यहाँ जमा करेंगे तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा। इनफैक्ट वो लोग हमेशा ईगर रहते हैं कि उन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिले ताकि वो यहाँ पे पैसा जमा कर सकें। कहते हैं ये अच्छा तरीका है कि हम एनआरआईज़ से पैसा लेके इंडिया में जो वॉलेटिलिटी है उसको मेंटेन करने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज करंट अकाउंट डेफिसिट बना रहेगा। क्यों बना रहेगा? क्योंकि जो चीज़ें हम इम्पोर्ट करते हैं वो करेंगे ही करेंगे, बिकॉज हम वो चीज़ें इम्पोर्ट करते हैं जो इंडिया में नहीं होती, जैसे क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, गोल्ड, ये सारी चीज़ें इंडिया में होती नहीं है, यूरेनियम, कॉपर, तो हमें बाहर से लाना ही पड़ेगा। दूसरी चीज़ें जो हम नहीं बना सकते लाइक सेल फोन्स, एयरक्राफ्ट, डिफेंस इक्विपमेंट, ये हमें बाहर से लाना ही लाना पड़ेगा। मतलब करंट अकाउंट डेफिसिट तो होना ही होना है। दूसरा, हमारे पास अभी ऐसा कुछ सिस्टम है नहीं कि हम अपना एक्सपोर्ट बढ़ा के इनफ्लो बढ़ा सकें, तो हमें कुछ परमानेंट सोल्यूशन की तरफ ध्यान देना चाहिए, बजाय इसके कि हम ये कोशिश में लगे रहें कि हम बाहर से एनआरआईस के नोटिफिकेशन के जरिए खूब सारा पैसा भारत में मंगा लेंगे और इससे जो इनफ्लो है वो बढ़ जाएगा और हम रुपए की जो वॉलेटिलिटी है उसको मेंटेन कर लेंगे। फिएट करेंसी का चैलेंज तो यही होता है, क्योंकि जो उसका प्राइस होता है वो क्राउड मेंटेन करता है, मार्केट मैकेनिज्म डिसाइड करता है। 2013 में ऐसा ही पैनिक आया था, उस कंडीशन में हमने जैसे तैसे उस चीज़ को मेंटेन किया था। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, रुपए का अगर डॉलर का आउटफ्लो हो रहा है तो उसके साथ साथ रुपए का इनफ्लो भी होना चाहिए, क्योंकि इनफ्लो होगा तभी जो रुपी है वो स्ट्रांग होगा। ठीक है, यहाँ पर कन्वेंशनल अप्रोच यहाँ पर ये बताते हैं कि बिल्कुल वही है कि आप फिर से इंटरेस्ट रेट बढ़ा दीजिए ताकि जो एनआरआईज़ हैं वो पैसा इंडिया में डिपॉजिट करें, इनफ्लो बढ़ जाए, रुपए की वैल्यू बढ़ जाए और जो डेप्रिशिएशन हो रहा है हम उसे मैनेज कर ले जाएं। लेकिन एंड में आर्टिकल कहता है कि बजाय इसके कि हम ऐसे टेम्परेरी सॉल्यूशंस अपनाएं, हमें टारगेट मैकेनिज्म अपनाना चाहिए जो कि पॉलिटिकली अनअट्रैक्टिव हो सकता है। जैसे कि हमें पेट्रोल के प्राइसेस पे काफ़ी लोग हल्ला मचा रहे हैं कि पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है, तो हमें उसे बढ़े रहने देना चाहिए। क्यों? इससे पॉलिटिकली नुकसान तो होगा, लेकिन जब पेट्रोल का प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड गिर जाती है, जैसा कि पिछले 2 महीनों में भी हुआ है। डिमांड अगर गिर जाएगी तो हमें पेट्रोल कम लेना पड़ेगा, अगर डिमांड कम होगी, पेट्रोल हम कम लेंगे, तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट थोड़ा सा कंट्रोल में आएगा कि नहीं आएगा? तो ये एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है, हालांकि इससे पॉलिटिकली नुकसान होगा, जो रिजीम है उसे नुकसान होगा। इसके अलावा इंडिया को कुछ, वैसे इंडिया की काफ़ी डिमांड है, इंडिया जो तेल है उसकी डिमांड काफ़ी करता है, तो हमें उसके प्राइसेस को कंट्रोल करना पड़ेगा। ये तो एक इंस्टेंट मैकेनिज्म हो सकता है। अगर आप मीडियम टर्म की बात करें तो हमें कुछ एनर्जी मिक्स अप्रोच अपनाना चाहिए, मतलब हम कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करें जिसमें हम पेट्रोल का कम कंजम्पशन करें,
इसके अलावा हम इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, इसको इसका जो इंडिजनाइजेशन है वो ज़्यादा करें। इन्हीं चीज़ों का हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, जिससे जो डॉलर है उसका आउटफ्लो होता है तो हम उसे कंट्रोल कर पाएंगे। हम एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को और ज़्यादा रोबस्ट कर सकते हैं, जैसे कि हमारा इनफ्लो बढ़ जाए। तो हमें ऐसे कुछ परमानेंट सॉल्यूशंस अपनाने चाहिए। तो ये थोड़ा आर्टिकल आपको कॉम्प्लेक्स लग सकता है, इसीलिए मैंने आपको थोड़ा बेसिक बताया था, बिकॉज मैंने आपसे पहले ही कहा था कि कोर इकोनॉमिक आर्टिकल ये है। सिंपल सी बात, जो पूरा कोर इशू था वो यही था कि रुपए का अगर, डॉलर का अगर इनफ्लो होगा तो जो रुपया है वो स्ट्रांग होगा, डॉलर का अगर आउटफ्लो होगा तो जो रुपया है वो डेप्रिसिएट करेगा, और हमें इन्हीं दोनों के बीच में बैलेंस स्टैब्लिश करने की आवश्यकता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने यहाँ पे देखा। क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज डस्ट डिसीज, एनालाइज द इफेक्ट ऑफ वोलेटिलिटी ऑफ रुपी वैल्यू ऑन इंडियन इकोनॉमी एंड ग्रोथ, 250 शब्दों में बताइए। अगला आर्टिकल देखते हैं, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशंस। देखिए लोकेशन देखिए नेपाल की, ये नेपाल है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए अभी जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं वो चाइना की 6 दिन के विजिट पे जाने वाले हैं, उसी चीज़ के बारे में यहाँ पे एनालिसिस किया जाता है। जो नेपाल के फॉर्मर एम्बेसडर हैं, जो फॉर्मर एम्बेसडर थे चाइना के, महस मैस की, उन्होंने इंडिया के बारे में कुछ बातें कही, उन्होंने केपी ओली के बारे में कुछ बातें बताई, जैसे कि जब 2015 में एक ब्लॉकेट, अनऑफिशियल ब्लॉकेट था इंडिया की तरफ से, जिससे जो नेसेसरी चीज़ें थी नेपाल में उसकी वहाँ पर कमी हो गई थी, तो केपी ओली वो बताते हैं कि काफ़ी डिसअपॉइंट हो गए थे कि वो इंडिया के साथ इंगेज नहीं हो पाए। उसके 4 महीने बाद केपी ओली की सरकार गिर गई, बिकॉज जो उनके सपोर्टर्स थे कम्युनिस्ट पार्टी के, उन्होंने अपना सपोर्ट पीछे खींच लिया। हालांकि उसके बाद जो उन्होंने अप्रोच इंडिया के खिलाफ अपनाया था, उसकी वजह से आने वाले इलेक्शन में वो जीत गए। वो इंडिया के विजिट पर आए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ उन्होंने कई सारे अच्छे एग्रीमेंट किए, रिलेशंस को इम्प्रूव करने का प्रयास किया गया। लेकिन अभी जो उनकी 6 दिन की विजिट है चाइना में, वहाँ पर वो किस तरीके से इंडिया और नेपाल के साथ जो रिलेशंस हैं, नेपाल और चाइना के साथ जो रिलेशंस हैं, उसको वो कैसे बैलेंस कर पाएंगे। देखिए अभी जो सरकार बनी है, कम्युनिस्ट पार्टी की जो सरकार बनी है, वो वहाँ पर मेजोरिटी में है, जिसको माना जा रहा है कि वो प्रो चाइना है और एंटी इंडिया है। तो किस तरीके से जो नेपाल है वो इंडिया और चाइना दोनों के बीच में अपना बैलेंस स्टैब्लिश कर पाएगा। नेपाल और चाइना के बीच में यहाँ पर ये बात करते हैं, कहते हैं कि पीएम ओली जो हैं उनको डेफिनेटली एक एडवांटेज होता है जब भी वो बीजिंग की विजिट पर जाते हैं, बिकॉज वहाँ का जो सेंटिमेंट है वो चाइना के सपोर्ट में है, उन्हें काफ़ी फ़ायदा होता है। और अगर वो ऐसा कोई भी एग्रीमेंट साइन करते हैं जो कि नेपाल के फेवर में है, तो डेफिनेटली वहाँ के लोग उन्हें सपोर्ट करेंगे। और टाइमली मैनर में अगर वहाँ से कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो नेपाल में कन्फर्म किया जाता है, क्लियर किया जाता है, पूरा किया जाता है, तो डेफिनेटली जो केपी ओली की पॉपुलैरिटी है वो और भी ज़्यादा बढ़ेगी, उनकी इमेज जो है वो और भी ज़्यादा अच्छी होगी, उनकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पर देखिए इंडिया ने किस तरीके से, कई बार इंडिया के साथ यही दिक्कत आती है कि इंडिया कई सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको प्रॉमिस करता है लेकिन बाद में वो उसे पूरा नहीं कर पाता है। इंडिया का जो अप्रोच है वो किस तरीके से फॉल्टी रहा है, किस तरीके से गड़बड़ी वाला रहा है, जिसकी वजह से इंडिया और नेपाल के रिलेशन जो हैं वो ख़राब हुए हैं पास्ट से ही। जैसे कि अभी जब चाइना ने हाइड्रो एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की बात कही नेपाल के साथ, तो वो ज़्यादातर नेपाल के फेवर में था। लेकिन अगर आप इसका कंपैरिजन करें नेहरू एरा में, तो जब भी ऐसा एग्रीमेंट इंडिया के द्वारा किया जाता था नेपाल के साथ कि हम आपको सिक्योरिटी की गारंटी देंगे, सिक्योरिटी अम्ब्रेला देंगे, तो इंडिया क्लेम करता था कि जो वाटर रिसोर्स है नेपाल का उस पर इंडिया को प्रेफरेंशियल राइट मिलना चाहिए, जिसका अक्सर नेपाल विरोध किया करता था। 1959 में जो नेहरू जी थे उन्होंने कहा कि जो हिमालय है वो एक नेचुरल बैरियर है और कोई भी अगर हमला किया जाता है नेपाल के ऊपर तो इंडिया उसे अपने ऊपर हमला मानेगा। वहाँ के जो उस समय प्राइम मिनिस्टर थे बीपी कोइराला, उन्होंने इस चीज़ का काफ़ी खंडन भी किया क्योंकि ये उनकी सॉवरेनिटी के खिलाफ था। 1960 में जो कोइराला सरकार थी, इसी वजह से उन्होंने बीजिंग के साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी भी साइन की। 1962 में जो वहाँ के किंग महेंद्र थे, इंडिया ने उनको वार्न किया कि जो आप इंगेजमेंट बढ़ा रहे हैं चाइना के साथ, इसके साथ जो कम्युनिस्ट रूल है वो आपकी मोनार्की को समाप्त कर देगा। तो उन्होंने बहुत ही आयरोनिकल एक स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने ये कहा कि जो कम्युनिज्म है या जो कम्युनिस्ट हैं वो टैक्सी में नहीं आते हैं कि आपके कहने से वो टैक्सी में आएंगे और मेरा जो रिजीम है उसे ख़त्म कर देंगे। हम यहाँ कन्फ्रंटेशन की बात बता रहे हैं कि पिछले पास्ट में कितना ज़्यादा कन्फ्रंटेशन रहा है इंडिया और नेपाल के बीच में। 1988-89 में जो राजीव गांधी गवर्नमेंट थी, उन्होंने 18 मंथ का एक लॉन्ग ब्लॉकेट इम्पोज किया था, जबकि जो किंग बीरेन थे उन्होंने आर्म्स एंड एमिनेशन की एक डील साइन कर ली थी चाइना के साथ उसके विरोध में। 2009 में भी जो वहाँ के चीफ थे पुष्प कमल डहल, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था, उसमें कहीं ना कहीं इंडिया का प्रेशर था। तो ये जो इन्फ्लुएंस करता है निगेटिवली इंडिया नेपाल की पॉलिसी को, उसका निगेटिव इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर डेफिनेटली पड़ा है। आर्टिकल यहाँ पर कहता है कि एमिनेंट पर्सन ग्रुप एक बनाया गया था इंडिया और नेपाल के बीच में 2 साल पहले, जिसका काम था कि 1950s की जो ट्रीटी है उसे अच्छे से फिर से रीड्राफ्ट किया जाए। वो अपनी फाइनल रिपोर्ट जो है वो अगले महीने देगा।
तो हो सकता है उसके बाद कुछ पॉजिटिव आउटकम्स इंडिया और नेपाल के रिलेशंस में देखने को मिले। इंटरव्यू में देखते हैं, अगर आपसे आपका इंटरव्यूअर कहे कि आप इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में 2 मिनट निगेटिवली बोलिए तो आप कैसे बोलेंगे। क्वेश्चन आपके लिए है कि आपका ओपिनियन क्या है रिवर्स की इंटरलिंकिंग के बारे में, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यहाँ पर जो हमारा डिस्कशन है वो समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस डिस्कशन।